चैनल फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड एंजॉयिंग। और जैसा कि मेरा काम है कि मैं शहडोल के टैलेंट्स को, शहडोल के इवेंट्स को, शहडोल के स्पॉट्स को एक्सप्लोर करूंगा, सो आई एम इन द डे नाउ। और मैं वही काम आज भी कर रहा हूं, पहले भी कर रहा था। आपको याद हो कुछ वीडियोस पहले मैंने पूजा वस्त्रकार, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम की मेंबर है, उनका इंटरव्यू आपके लिए लाया था। इन द सेम वे हमारे शहडोल से एक और पर्सनैलिटी, एक और बेटी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे शहडोल का नाम ले गई हैं, आज मैं उनका इंटरव्यू आपके लिए लाया हूँ। डेफिनेटली आप सब लोग को थोड़ा माइंड में क्लिक तो ज़रूर हो गया होगा। दो दिन पहले ये बंदी हमारे इंटरनेशनल लेवल के टीवी में आई थी, दैट इज इन द सोनी चैनल, एंड द शो इज़ द KBC कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ के आई हैं। और ज़्यादा देर ना करते हुए आई एम गोइंग टू वेलकम चरणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में, एंड इट्स अ प्लेजर फॉर दिस चैनल दैट यू आर हैविंग हियर इन दिस चैनल। फ्रेंड्स, हम चरणा जी से थोड़ी बात करेंगे, बिकॉज जब से ये आई हैं पिछले हफ्ता भर से, मतलब मेरे को 3-4 दिन चेस करते हो गया, एंड आज जाके थोड़ा 5-10 मिनट का ही टाइम मिला, एंड नीचे हम लोग छत में आ गए। नीचे एक और चैनल वाले अपना सेटअप लगा रहे हैं टू गेट हर इंटरव्यू, तो हम जल्दी से पूछेंगे। चरणा जी, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप का हो जाएगा ये। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ इज द लाइफ बिफोर KBC एंड आफ्टर KBC? इट्स अ ड्रास्टिक चेंज, यू नो, मतलब ड्रामेटिकली, एक सरप्राइजिंगली सारी तरह से चीज़ें बदल गई। KBC में पहुंचना, मुझे लगता है मेरी एज की या मेरे बाद की एज के या सभी लोग, मतलब KBC एक ऐसा मंच है जहाँ पे सभी पहुंचना चाहते हैं। और अमिताभ सर, मतलब वो तो, मैं तो उनको भारत की धरोहर ही कहती हूँ, और उनसे मिलना, मतलब एक झलक का भी हमने कभी सपना नहीं देखा। सपना होता है, सपना होता है, झलक, एक झलक के लिए एक सपना होता है, और उनके साथ बैठ के, उनसे बातचीत करके, उनके मुँह से अपना नाम सुनकर, और आपके बारे में वो जो बातें करते वो सब सुनकर, सारी चीजें, वो मतलब कहना चाहिए ये बिगेस्ट अचीवमेंट या बिगेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मोमेंट मेरी लाइफ में शायद ही कभी आएगा दोबारा, या फिर कभी आया रहा होगा। अच्छा, एक चीज हमने देखा है, जितने भी कंटेस्टेंट शोज होते हैं उससे पहले क्या होता है, कंटेस्टेंट के बारे में जानकारी ली जाती है, थोड़ा उनके लाइफ के बारे में जानकारी ली जाती है, एंड ऑन बेस्ड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन वहाँ वो आपसे बात करते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो थोड़ा पर्सनल टच आता है। ओके, सो कणा जी, एक जैसे जो भी लोग देख रहे हैं उनकी एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि KBC तक पहुँचा कैसे जाए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो आप शॉर्ट में बताइए। और तब से लेके अभी तक जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो भी फेसबुक के थ्रू, ऐसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल्स आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो सवाल होता है मेरे पास ये होता है कि मैम आप वहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि ये बात सच है कि जब, क्योंकि ये तो मतलब 11वां सीज़न है, इतने सालों से KBC चल रहा है, भी क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन रेट इतना कम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत ज्यादा कम, करोड़ों में से एक भी पहुँचता है। तो मैं भी जब, मतलब मैं, मुझे भी क्यूरियोसिटी रहती थी कि कैसे पहुँचते हैं, क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था। और पहले तो मुझे जब, मतलब मैं देखती थी तो लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि कैसे सिलेक्शन होगा, मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी थी। लेकिन आज मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह सकती हूँ कि अगर मैं पहुंच सकती हूं तो कोई भी पहुंच सकता है, क्योंकि मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने मन में एक डेडिकेशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मैं आपको प्रोसेस की बात बताऊं तो उसमें ऐसा रहता है कि इसमें KBC वाले जो है पहले से ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, 2-3 महीने पहले ये स्टार्ट होता है। जैसे अभी अगस्त में उन्होंने शो स्टार्ट किया, तो वो मई से जो है रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं। इस बार जो था 1st से 15th मई तक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इसमें। इसमें आप दो चीज़ें, ऑनलाइन ही किया था, वाया ऐप और समथिंग, और डायरेक्ट वाया ऐप, सोनी लिव ऐप के थ्रू मैंने किया था। और ऑप्शन रहता है, वो टीवी पे भी रात में 9 बजे क्वेश्चन पूछते हैं, और उसका आपको 24 आवर्स के विदिन जो है आंसर करना रहता है उसका। और या फिर आप ऐप के थ्रू भी
कर सकते हैं आंसर, ऐप पे भी 9 बजे ही आता है, मैंने ऐप के थ्रू ही किया था okay. और फिर वो 9 बजे आपके पास क्वेश्चन आता है, वो एक मतलब जनरल जीके क्वेश्चन होता है, जैसा वो पूछते हैं वो MCQ वैसा ही रहता है, और उसको आप आंसर करना होता है. वो आंसर करते हैं उसके बेसिस पे जो है वो रैंडमाइजर के थ्रू आपको कॉल करते हैं, और रैंडम सेलेक्शन होता है. रैंडमाइजर ऐप के थ्रू जो है आपके अगर क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर आपका करेक्ट है, उसके बेसिस पे वो आपको कॉल करते हैं. और कॉल उनका ऐसा रहता है कि मतलब वो रैंडमाइजर, वो बताते हैं कि रैंडमाइजर के थ्रू इस बार जो है 2 to 3 crore, 3 crore, 4 crore के आसपास उनके पास रजिस्ट्रेशन होते हैं हर बार और जवाब जाते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर वो सिलेक्शन करते हैं और वो डेली के बेसिस पे जो है वो कॉल करते हैं. और फिर इसके बाद जो है वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स लेते हैं, नेम, एज वगैरह, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल, और इसके बाद जो है वो आपकी कॉल फॉरवर्ड करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है तुरंत okay. और उसमें जो है आपसे 3 questions पूछते हैं, और उन questions के बाद जो है वो आपसे बोलते हैं कि अगर ये वो अपन ने जवाब दे दिया, और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैम आपके अगर आपके आंसर्स करेक्ट होंगे तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है हम इससे कॉल बैक करेंगे. फिर नेक्स्ट डे ही मेरे पास कॉल आ गई कि मेरे आंसर्स करेक्ट थे, और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बताया कि उनके ग्राउंड ऑडिशन राउंड के लिए वो सेलेक्ट हुई, वो सेकंड राउंड का ग्राउंड ऑडिशन राउंड, हाँ ग्राउंड ऑडिशन राउंड होता है ओके. वो जो है उन्होंने भोपाल में रखा था, वो पूरे डिफरेंट सिटीज में मतलब इंडिया के सभी मेन मेजर सिटीज में वो करते हैं. जैसे भोपाल लिया उन्होंने तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ में कुछ पोर्शन यूपी, कुछ और नागपुर वगैरह के कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे, वो पूरा एक सेंट्रल जोन बना के जो है उन्होंने वहाँ पे लोगों को बुलाया था. मेरे जहाँ पे भोपाल में मेरा हुआ था वहाँ पे 400 लोगों को उन्होंने बुलाया था उस सेंटर पे okay. और फिर वहाँ पे क्या होता है आपको मॉर्निंग में ही बुला लेते हैं वो 6:30, और 6:30 के बाद वहाँ पहुँचने के बाद आपके फोन्स वगैरह सब वो ले लेते हैं uh-huh. और फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं और आपको एक बुकलेट देते हैं, और उसके जो होते हैं 50 to 60 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स सारी चीज़ें रहती हैं ओके okay. Are those questions are objective type or descriptive? नहीं, subjective okay. questions रहते हैं. Actually वो आपकी personal details रहती है. अच्छा. तो मतलब आपका कहाँ जन्म हुआ, आपका क्या nickname है, आपकी childhood memories, मतलब अगर in short मैं बोलूँ तो आपकी सारी की एक personal details जो है वो लेते हैं. उसमें आपका childhood memories, आपके college experience, आपके life के experiences, आप किससे सबसे ज़्यादा close है, आप किसको अपना ideal मानते हैं, आपकी खुद की हॉबीज, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, मतलब एक पूरी आपकी पर्सनालिटी को वो पूरी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है करेक्ट करेक्ट मतलब okay. मैंने जब मैं वहाँ से निकली थी तो लोगों ने मुझसे पूछा, जैसे मेरे हस्बैंड ने ही सबसे पहले पूछा कि हुआ क्या, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इट वॉज ब्लैक बॉक्स, आप गए और आपको पता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है. तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था हुआ क्या, मैंने बोला कि ऐसा है जितना मैं अपने बारे में नहीं जानती थी आप मेरे बारे में जानती थी, आज KBC मेरे बारे में जानता है. क्योंकि वो एक्चुअली उसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत थॉटफुल क्वेश्चंस रहते हैं कि आप जो है लाइफ में क्या करना चाहती हैं, आपकी ज़िंदगी के क्या पल थे, आप सोसाइटी के बारे में क्या सोचती हैं, और वो आपके क्वेश्चन जो है आपको मजबूर करते हैं वहाँ पर कई चीज़ें आपको खुद के बारे में सोचने के लिए. मतलब एक कहना चाहिए ना कि KBC में जो मुझे बाद में जो पहचान मिली वो अलग है, मुझे खुद के बारे में भी जानने के लिए मिला कि मैं अच्छा इन चीज़ों के बारे में अच्छा सोचते हैं. बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं जब वो पूछते हैं कि सबसे आपके लाफ्टर जो मोमेंट था लाइफ का वो क्या था, ऐसे करके वो सारे सवाल पूछते हैं. और फिर इसके बाद जो है उसी उसके साथ साथ जो होता है एक टेस्ट होता है जिसपे कि वो 20 questions रहते हैं, वो पूरा प्रॉपर OMR शीट पे वो आपके क्वेश्चंस भरवाते हैं, जो एग्जाम होता है उस तरह का होता है, टाइम लिमिट होती है, इन्विजिलेटर्स होते हैं. तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, चरणा गुप्ता जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, डेफिनेटली वो एग्जाम फाइट करके गई होंगी. आपको ऐसा नहीं लग रहा था आप IAS के एग्जाम में बैठते प्रॉपर? पता है क्या, मेरी मॉम को जब मैंने बताया उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है तुम IAS पे पहुंच गई हो, तुम्हारा पूरा वैसे प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजें हुई. वही मैं बोल रहा हूं कि तरह वो एक क्वेश्चन था 20 questions का, 25 minutes थे, आपको टेस्ट की तरह बैठा दिया, इन्विजिलेटर्स थे और आपके पास टाइम लिमिट थी, और जो क्वेश्चंस वो जैसे पूछते हैं हॉट सीट पे बैठने के बाद कंटेस्टेंट से, उसी तरह के क्वेश्चंस थे वहाँ पे, और 20 questions थे. और उसके बाद जो है आपका जो सब्जेक्टिव आपने भरा
उसके बेसिस पे वीडियो रिकॉर्डेड एक इंटरव्यू होता है. okay. वो जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं वो उनकी टीम के ही रहते हैं, मुंबई से आते हैं वो लोग. uh-huh. और वो पैनल रहता है, उसमें प्रॉपर वो वीडियो शूटिंग होती है उसकी. और हम लोग फिर वहाँ पे आपसे जो भी वो आपने ट्वीट किया है, जो भी आपने लिखा है अपने बारे में या जो भी आपके थॉट्स थे, उसको वो डिस्कस करते हैं. बेसिकली वो चेक करते हैं कि आप जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो आप सही बोल रहे हैं, आप उस चीज़ को अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कैमरा से कितने फैमिलियर हैं, आप हिंदी से कितने फैमिलियर हैं. और अमिताभ सर से अगर आप मिलेंगे, आप बातचीत करेंगे, तो वो एक कैसा मोमेंट होगा, वो सारी चीज़ों को वो जज करते हैं वहाँ पे. okay. और उसके बाद ये पूरी जो प्रोसेस है वो मुंबई जाती है. और मुंबई में जो होता है कि वो मतलब वहाँ पे भी पैनल होता है, जितने लोगों का हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया, फिर उसमें से वो लोग सेलेक्ट करते हैं. मुंबई में कितने लोग से कॉम्पीट करना पड़ा? नहीं, वो मुंबई पहुंचता जो है वो फाइनल कॉल जो आता है वो 10 कंटेस्टेंट ही होते हैं. वो पूरा 2 जज की टीम उनके पास मुंबई में ही होती है, वहाँ से वो सेलेक्ट करते हैं और सिर्फ 10 लोगों को जो है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो होता है उसके लिए बुलाते हैं. तो वहाँ पे तो सिर्फ वही 10 कंटेस्टेंट्स जो रहते हैं उनके साथ कम्पीट करना. कैन यू इमेजिन अ गर्ल विद अ कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ इंडिया लेवल रीच्ड देयर with the top 10 contestant from India. बहुत बहुत बधाई. Thank you sir. And after that, फिर उसके बाद final fastest finger first and then hot seat. Okay. और hot seat के बाद तो आपने जरूर TV में देख ही लिया होगा. चंदा जी, next question ये मैं पूछना चाहता हूँ कि what's your family's expression and especially your husband's expression? हस्बैंड का ऐसा है कि वो खुद भी गए, वो खुद भी उनसे मिल पाए, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा. एक्चुअली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहुंचने के बाद भी बहुत लोग हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाते, तो वो एक अलग ही होता है क्योंकि वहां पे आपका टाइम, स्पीड, लक, सारी चीजें काम करती हैं. तो वहां पे क्योंकि वो विद इन सेकेंड्स का गेम है, तो सबको यही टेंशन था. मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा टेंशन यही था कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्रैक होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे हॉट सीट पे पहुँच जाते हैं तो फिर भी आपके पास 45 सेकंड्स का टाइम होता है, लेकिन जो वहाँ पे कंपटीशन होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड का, वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है. तो इसलिए सबको बहुत टेंशन था. और बिल्कुल एक्चुअली में हुआ क्या, वो मेरा इस मतलब इस एपिसोड में जो हुआ, जो फर्स्ट मंडे का, तो एक उनका क्लस्टर होता है, तो उस वीक के क्लस्टर में मेरा फर्स्ट सिलेक्शन था, पहला क्वेश्चन था, और मैं उसी को कम्पीट करके किसी को उम्मीद ही नहीं थी. मतलब मेरे हस्बैंड ने बाद में मुझे बोला कि तुम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे जो उस चेयर में बैठी थी उससे उठकर तुम कब अमिताभ सर के पास पहुंची और कब तुम हॉट सीट तक बैठ गई, उनको कुछ याद ही नहीं है. ही वॉज मतलब कि इतना ज्यादा वो सारी चीजें शॉक्ड और सरप्राइज्ड थे कि उनका पूरा माइंड एकदम मेमोरीज एकदम वो खत्म सी होगी, लगा कि क्या हो गया. वो एक ऐसा मोमेंट था कि मतलब सी चल गई. वो एक्चुअली मेरी मम्मी यही बोलती है कि जो भी जब कोई भी पूछता है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो यही बोलती है कि, और मुझे भी एक्चुअली ऐसा ही लगता है कि वो एक सपना था जो एक रील चली आपकी और वो पूरी तरह से सब कुछ को बदल गया. कहते हैं ना कि मतलब एक आंधी या तूफान आता है और उसके बाद सारी चीजें बदल जाती है, कि खुशियों की लहर आई मेरी और पूरी सब कुछ बदल दिया उसने. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग दिस इंटरव्यू. और ज्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम एक बड़ा मुद्दे वाला सवाल अब जरूर लेंगे कि मैम, आप जो अमाउंट जीत के आए हैं, व्हाट यू गोइंग टू डू फॉर दैट अमाउंट? अमिताभ सर ने भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था. okay, okay. तो मैंने उनको यही आंसर किया था कि मैं घर खरीदना चाहती हूँ. और उसके साथ साथ मेरी एक, जैसे आपने एपिसोड्स में भी देखा होगा कि मॉम का थोड़ा सा है, तो उसकी वजह से मेरे अंदर स्पेशली चैलेंज्ड जो लोग हैं okay. उनके लिए एक अलग ही है. और मैं जो हूँ एक ऐसे डिपार्टमेंट से भी जुड़ी हुई हूँ, पता चला हुआ लेबर इंस्पेक्टर, कि बहुत सारे नीडी लोग मेरे सामने मुझे दिखते हैं, लेकिन अभी अपने पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से मदद नहीं कर पाते थे. और मैं ये समझती हूँ कि जो मुझे ये मिला है वो दूसरों को कुछ देने के लिए मिला है, क्योंकि मैं हमेशा जब देखती थी वो नीडी लोगों को देखती थी, तो मेरे मन में होता था कि यार मैं कैसे इनको दे दूँ या कैसे मदद कर दूँ. तो मेरे से जो भी हो सकता था, जो भी मिनिमम अमाउंट मैं अफोर्ड करती थी, वो मैं देती थी. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये एक जो मिला है मुझे, ये गॉड ने मुझे इसलिए दिया है कि मैं जो मेरे जो रह जाती थी फीलिंग्स दूसरों को देने की, वो मैं थोड़ी सी सही पर पूरी कर. ग्रेट थॉट, आई रियली रिस्पेक्ट फॉर दैट थॉट. सो गाइज, ये थी हमारे साथ चरणा गुप्ता जी, जो कि रिसेंटली KBC में होके आई हैं, शहडोल का नाम रोशन करके आई हैं. आप डेफिनेटली एपिसोड्स तो देख चुके होंगे. बिकॉज ऑफ सम रीजंस देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शंस दैट वी कैन नॉट शूट बिफोर द टेलीकास्ट ऑफ दैट.
एपिसोड, इसलिए हमने बाद में शूट भी किया और डेफिनेटली आप देख भी रहे होंगे। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। चरणा गुप्ता जी को हमारी और शेडोल डायरीज की टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जिंदगी में ऐसे ही सफल हो। थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ, दिस इज संजीत सोनी, जय हिंद।